दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, शिव महापुराण की कथा कहती है नलासुर को गणेश जी निगल गए, उदर में जलने लगा, उदर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास, शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया, दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी, अंदर जो अनलासुर था भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में